This is 92.7 Big FM और ये है सुहाना सफर with अन्नू कपूर। आज का पहला किस्सा, गोविंदा ने शाहरुख खान से बदला कैसे लिया। दूसरी कहानी, मनीषा कोयराला के मर्डर की खबर। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा हम चले आए, फिर तेरी कहानी याद आई, रिपीट वैल्यू, और आज का आखिरी किस्सा, मिथुन चक्रवर्ती के किस गीत के चलते ही उनकी सारी यूनिट ठहाका मारकर हंस पड़ती थी। और अंत में जयपुर के सदानंद खरे के सवाल का जवाब। आपकी अदालत में शाहरुख खान से एक सवाल किया गया, तो जवाब उसने दिया कि मैं सरकायलो खटिया जैसे गीत करके हिट नहीं होना चाहता। शाहरुख खान की बात गोविंदा ने सुनी, उसको बहुत नागवार गुजरा, तो इस बात का जवाब देने के लिए उन्होंने बिल्कुल नया अंदाज निकाला, जो भी उनकी समझ है उस हिसाब से। उस वक्त गोविंदा फिल्म कुली नंबर वन कर रहे थे, जिसका एक गीत था तुझको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं। उन्होंने फौरन गीतकार समीर से बात की और अपने जज्बात बताए, जिस पर समीर साहब ने एक अंतरा लिख दिया। बोल कुछ ऐसे थे कि मैंने जो सरकाई घटिया तो आपको लगा बड़ा घटिया, मगर मैंने किसी को बेमौत मारा नहीं, किसी के सीने में खंजर उतारा नहीं, मैं तो इस दुनिया के सर्कस का एक जोकर हूं, नाचता गाता हूं, आपका दिल बहलाता हूं, तुझको नाचना ना आए तो मैं क्या करूं। अब गोविंदा ने डेविड धवन से इस अंतरे को रिकॉर्ड करने को कहा। डेविड धवन ने बताया कि भाई ये गीत पहले रिकॉर्ड हो चुका है, ऑडियो भी रिलीज हो चुका है, मगर उस वक्त के हीरो नंबर वन ने जिद पकड़ ली, तो हीरो नंबर वन की बात को मानते हुए इस अंतरे को रिकॉर्ड करना पड़ा और पिक्चराइज भी करना पड़ा, जबकि इस फिल्म के ऑडियो में यह स्टैंजा नहीं था, क्योंकि ये कहते हैं कि अंतरा गीत के टेम्पो को बिगाड़ रहा था। तो गोविंदा शाहरुख खान को इस अंदाज में जवाब देना चाहते। महेश भट्ट का जमाना था, फिल्म की फैक्ट्री थी, हर दो महीने में महेश भट्ट की फिल्में आ रही थी और हिट हो रही थी, लेकिन अचानक बड़े बड़ों के जमाने चले जाते तो महेश भट्ट के आए। 1993 से तड़ी पार, द जेंटलमैन, नाराज, मिलन और नाजायज जैसी फिल्में धराशायी हो गईं। तो महेश भट्ट कैंप ने अपनी आने वाली फिल्म क्रिमिनल की जोरदार पब्लिसिटी की प्लानिंग की। इस फिल्म में म्यूजिक था एमएम क्रीम का, एक गाना भी चर्चित हो चुका था, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। मगर फिल्म की कास्टिंग नागार्जुन रमैया और मनीषा कोयराला की वजह से बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स दिख नहीं रहा था, जो महेश भट्ट की फिल्मों को मिलना चाहिए था। तभी एक दिन इस शहर मुंबई के सभी बड़े अखबारों में फर्स्ट पेज पर, पहले पेज पर एक खबर छपी कि आज मनीषा कोयराला का मर्डर हो गया है। यह खबर आते ही फिल्मी दुनिया में हलचल मच गई, यूं कहूंगा भारत में हलचल मच गई। भारत में वैसे किसी का मर्डर हो जाए कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे ही क्रिकेटर या फिल्म वालों का या नेता का मर्डर हो जाता है तो पूरा देश जो चौकन्ना हो जाता है, ऐसा लगता है कि इमरजेंसी आ गई हो। इस खबर के नीचे कुछ अखबार में तो छोटे हर्फ में एड लिखा था, मगर आफ्टरनून जैसे अखबार में नीचे एड शब्द भी नहीं लिखा था। और ये वही टाइम था जब फिल्म बॉम्बे की वजह से मनीषा कोयराला को जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी थी, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इस न्यूज को सही समझा और पहुंच गया मनीषा कोयराला के घर मातम करने के लिए। महेश भट्ट के कैंप की इस तरह की पब्लिसिटी से मनीषा कोयराला भी बहुत नाराज हो गई, और हुआ ये कि फिल्म को फायदे की जगह नुकसान हो गया। वैसे भी ये अंग्रेजी फिल्म फ्यूजिटिव की कॉपी थी, मगर इस फिल्म के फ्लॉप होने की एक वजह फॉल्स एंड फेक पब्लिसिटी को भी ठहराया गया। और अब समय है उस सेगमेंट का जिसे हमने नाम दिया है तुमने पुकारा और हम चले आए। हेलो सर, हु इज दैट? जे कौन बोल रहा है आप? सर मैं अनिल कुमार सर। अनिल कुमार जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं बैंगलोर पिंगिया से बात कर रहा हूँ। अरे साहब बहुत स्वागत है आपका, बैंगलोर में भी स्वागतम बोलते हैं ना, कन्नड़ा में क्या बोलते हैं वेलकम को? कन्नड़ा में सुस्वागत। सुस्वागत, सुस्वागत अनिल कुमार जी, सुस्वागत। थैंक यू सर। आपको कन्नड़ा मालूम है सर? नहीं नहीं सर मालूम नहीं है तेरे चना की दिया। सर बैंगलोर में कहाँ रहते हैं आप?
सर मैं पीनिया में रहता हूँ, एक ऑफिस में असिस्टेंसी के काम कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और भी और एक बात सर, मैं आपका शो सुन के हिंदी सीख रहा है, मेरे को तो पहले हिंदी कुछ भी मालूम नहीं। अरे तो मैं अपने आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं आपको हमारा प्रोग्राम आपको एंटरटेनमेंट भी दे रहा है और हिंदी भी सिखा रहा है। या सच है सर, मैं बहुत शुक्रिया आपको क्योंकि आपका शो सुन के मैं हिंदी सिखा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आपकी फरमाइश है कोई गाने की, मैं गाना सुनाओ। सर हमको किशोर कुमार कोई भी गाना दे डालो सर, हम लोग को तो बहुत पसंद है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अमजद खान को चाय पीने की लत थी, एक दिन में कभी कभी 100 चाय पी जाया करते थे और स्टार बनने के बाद भी उन्होंने थिएटर से नहीं रिश्ता तोड़ा था। एक बार वो एक रिहर्सल में थे पृथ्वी थिएटर पर, सबको पता था कि अमजद भाई बहुत चाय पीते हैं, तो चाय आने का दौर शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही चार बजे जब उन्होंने चाय मांगी तो चाय नहीं आई। दूसरी बार पूछा, जाओ देखो चाय क्यों नहीं आ रही, तो जो चाय की पूछने गया वो लौटा ही नहीं। दूसरे लोगों को भेजा, कई लोग गए, पर जो जाता वो वापस ही नहीं आता। गुस्से में अमजद खान खुद पहुंच गए, कैंटीन के मैनेजर से दरियाफ्त किया, भाई चाय क्यों नहीं है भेज रहे हो? तो कैंटीन के मैनेजर ने दूध खत्म हो जाने का बहाना कर दिया। अगले दिन फिर रिहर्सल थी, वही पृथ्वी थिएटर। मगर इस बार जब वो मैनेजर जिसने दूध खत्म होने का बहाना कर दिया था जब पृथ्वी थिएटर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि कैंटीन के बाहर बंधी हुई थी 2 तंदुरुस्त भैंसे और अमजद खान कैंटीन के बाहर ही पसर कर बैठे हुए थे। मैनेजर कुछ पूछता उससे पहले ही अमजद खान बोल पड़े, देखो मियाँ, कल आपने कहा था ना कि दूध खत्म हो गया है, अब दूध खत्म नहीं होगा क्योंकि अब दूध देने वाली भैंसें मुस्तकिल तौर पर यहाँ पे खड़ी कर दी गई हैं, इसलिए दूध निकालिए और चाय बनाइए और चाय अब बनती रहनी चाहिए। 1995 में के बापैया की फिल्म दिया और तूफान के गाने की शूटिंग चल रही थी। ये गीत मिठुन चक्रवर्ती, मधु और मोहनीश बहल पर फिल्माया जा रहा था। इला अरुण के गाए इस गीत के बोल थे, सैया धीरे धीरे आना आधी रात को, कुंडी धीरे से लगाना आधी रात को। जैसे ही ये गाना बजता सारी यूनिट के साथ साथ डायरेक्टर के बापैया भी हंसने लगते। अच्छा, मिठुन चक्रवर्ती के अलावा मधु और मोहनीश बहल भी इस बात पर हैरान थे कि स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर शूटिंग में मौजूद हर व्यक्ति हंस क्यों रहा है। ये बताना भूल गया कि शूटिंग मद्रास में चल रही थी, चेन्नई में। हंसते हंसते लोटपोट क्यों हो रहे हैं, क्या है? मिथुन चक्रवर्ती ने वजह जानने की कोशिश की तो राज सामने आया कि पूरी यूनिट में तमिल लोग हैं, डायरेक्टर साहब भी तमिल हैं, और इस गीत में जो शब्द आता है कुंडी, है ना, सैया धीरे धीरे आना आधी रात को, कुंडी धीरे से लगाना आधी रात को, ये तमिल भाषा में कुंडी का मतलब था हिप्स। तो जैसे ही कुंडी वर्ड आता था तो सबको अपने अपने पिछवाड़े याद आ जाते थे, कुंडी का मतलब था नितंब हिप्स, इसलिए सारे लोग हंसने लगते थे। वैसे भी आप सुनेंगे दक्षिण भारत के कितने ही गाने हैं जो हम हिंदी भाषी जब सुनते हैं तो हमारे को कानों में उंगलियां डालनी पड़ती है। इंटरनेट सर्च इंजन याहू और शम्मी कपूर के याहू में क्या कोई कनेक्शन है? ये पूछा है सवाल जयपुर के सदानंद खरे ने। हमने रिसर्च की जिसके मुताबिक बजाहिर तो याहू और फिल्म जंगली के गीत के याहू में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि 1962 में JCR लिकलिडर ने इंटरनेट की कल्पना करके रिसर्च स्टार्ट किया था और 1993 में वेब सर्च इंजन बनाना स्टार्ट हुआ। मगर हिंदी सिनेमा में याहू वर्ड 1961 में दे दिया गया था फिल्म जंगली के लिए, चाहे कोई मुझे जंग याहू, और ये गीत गाया मोहम्मद रफी ने, मगर याहू की आवाज प्रयागराज साहब की थी। 1994 में डेविड फिलो और जेरी यंग ने अपना सर्च इंजन स्टार्ट किया तो उसका नाम शॉर्ट फॉर्म करके रख दिया गया याहू। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1988 में राज कपूर की बेटी रीमा ब्रिटेन से मैक प्लस सिस्टम लाई थी जो उनके चाचा शम्मी कपूर को अच्छा लगा और फिर इंटरनेट यूजर क्लब ऑफ इंडिया के मेंबर बनने वाले फिल्म इंडस्ट्री से वही पहले व्यक्ति थे। 10
चेयरपर्सन भी बन गए। इस बात को लेकर लोगों में ये बात फैल गई कि याहू नाम हिंदी फिल्म गीत से प्रेरित है, जो बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ संयोग की बात है कि याहू शब्द एक फिल्मी गीत में भी आ चुका है, और तब आया जब हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि हर हाथ में मोबाइल आ जाएगा। ये गीत हिंदी फिल्मों में तब आया है जब पीपी का जमाना भी मुश्किल से होता था। जिसके घर में फोन होता था वो उस शहर के धनाढ्य लोगों में से एक माना जाता था। मुझे उम्मीद है कि उत्तर से संतुष्ट होंगे। आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।